बुधवार को दिल्ली में INDIA की अहम बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, पीएम चेहरे पर भी मंथन हुआ, लेकिन विपक्षी गठबंधन के इस बैठक से मुस्लिम समाज नाराज है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिज़वी बरेलवी ने INDIA पर सवाल उठाया है, कहा कि विपक्षी बैठक में मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाली मुस्लिम राजनीतिक दलों को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्षी दलों पर मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। रिज़वी के मुताबिक मुस्लिम चेहरों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अगर विपक्ष मुस्लिम चेहरों को नजरअंदाज करता है तो उसे 2024 लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई विपक्ष से मुस्लिम समाज नाराज है? क्या 24 में मुस्लिमों की नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिलेगा? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। INDIA की नियत में खोट, 24 में मुस्लिम देंगे चोट। गठबंधन की मुस्लिमों से दूरी क्या है मजबूरी? इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक लेंगे लेकिन नुमाइंदगी नहीं देंगे, विपक्षी गठबंधन अधूरा, क्या मुस्लिमों के बिना नहीं होगा ये पूरा? गठबंधन पर सवाल, 24 में मुस्लिम करेंगे किसे बेहाल? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन क्या कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। 25% हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये गठबंधन वोट चाहता है, मगर मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर यह मुसलमानों को नुमाइंदगी देना नहीं चाहता है। तो मुस्लिम चेहरों को नजरअंदाज करना, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों को नजरअंदाज करना लोकसभा के इलेक्शन में इनको भारी पड़ सकता है। कोई पार्टी हो जो जाति और धर्म की राजनीति कर रही है, हम उनके बजाय उन लोगों को प्राथमिकता देते हैं जो जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं, बेरोजगार अल्पसंख्यकों, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जो महंगाई बेरोजगारी से पीड़ित है, हम उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। हम उन्हीं के साथ 2024 के चुनाव में जाएंगे। कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, जनता देख रही है, 2024 में सबक सिखाएगी। जिस तरीके से वो गठबंधन ठगबंधन बना है और उसमें जिस तरीके की बातें आ रही हैं, उसे ये बात स्पष्ट है कि उन्हीं गठबंधन के दल के लोग ही अब कहने लग गए हैं कि मुस्लिम समाज से ये गठबंधन दूरी बना रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास पैदा करने का काम कर रही है। मेहमान जुड़ चुके हैं, पर्चे करा दें। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनु पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस, राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत मौलाना साहब आपसे कि आखिर क्यों लग रहा है कि मुस्लिम से दूरी ये गठबंधन बनाकर चल रहा है? INDIA मुस्लिम से दूर है, चेहरों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, यही हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, ज्यादातर टिकट मुसलमानों को तो यही देते हैं। इनका ये कहना है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, फिर भी आपकी नाराजगी। मौलाना साहब, आवाज आ रही है आपको? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा विधानसभा के इलेक्शन में। जी जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? आप बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि बड़ी मजबूती के साथ मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और उससे पीछे भी आप लोकसभा और विधानसभा देखेंगे तो मुसलमानों ने वोट दिया। मगर जब मुस्लिम मसाइल की बात आती है और मुसलमानों को जब जरूरत पड़ती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साथ में खड़े नहीं होते हैं, और अगर किसी दूसरी बिरादरी का जर्रा बराबर भी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो बलिया पहुंच जाते हैं। लखनऊ से बलिया बहुत दूर है, जबकि लखनऊ से सीतापुर बहुत करीब है, जहां पर आजम खान जेल में बंद है। तो ऐसे ही सेंट्रल में अखिलेश यादव की शमूलियत एनडी कांग्रेस गठबंधन में हुई है, तो कांग्रेस के अलायंस के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि तमाम जो मुसलमान हैं वो अखिलेश यादव के साथ में हैं, उनकी झोली में तमाम मुसलमान हैं,
तो ये उनकी गलतफहमी है, मैं चाहता हूँ अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। ऐसा ही दूसरे स्टेट बिहार है जहाँ पर लालू जी को समझा जाता है कि तमाम मुसलमान उनके पीछे है, तो ये भी उनकी बात करेंगे, आप दूसरे राज्यों की बात करेंगे। हमारी शिकायत ये है, आपकी जो शिकायत है उस पर सवाल कर लेते हैं राहुल जी से। राहुल जी, शिकायत तो बहुत है लेकिन इन्हें बीजेपी का एजेंट ना करार दीजिए आप लोग। जी, मौलाना साहब की बात मैं भी सुन रहा था। असल में मौलाना साहब, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को अगर पलट लेते कुछ कहने से पहले तो बड़ा अच्छा रहता। बात यहाँ पर हिस्सेदारी की है और जो मुस्लिम समाज है और हिस्सेदारी के लिए, और आज मुस्लिम समाज, मुझे इस बात की खुशी है कि मुस्लिम समाज आज सक्षम है अपनी हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए, और इसमें मदद कर रही है समाजवादी पार्टी। अगर यहाँ पर मुस्लिमों का अगर हित सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। और दूसरी बात, जहां तक इंडिया गठबंधन की है, इंडिया गठबंधन में 28 से ज्यादा दल अभी बैठक हुई है और इसमें हम सीट शेयरिंग को लेकर के और इसमें साझा रैलियों को लेकर कहना कि दो पार्टियां ऐसी हैं जो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करती हैं, उनको आप लोगों ने शामिल नहीं किया। जी हाँ, मैं इस बात पे भी आऊंगा। मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन में आप बिल्कुल निश्चित रहे, अभी सीटों को लेकर के जो बंटवारे की बात है, जो उम्मीदवारों की घोषणा है, ये हुई नहीं है। आप उसमें देखिएगा, जो मुस्लिम है उनको उम्मीद से ज्यादा उनकी वहां पे साझेदारी रहेगी, हकदारी रहेगी और उनका उसमें प्रतिभागिता रहेगी। आप इलेक्शन में देखिएगा, जीत के हमारे सांसद जो चुनकर आएंगे उसमें मुस्लिमों की संख्या देखिएगा, आपको देख करके मुस्लिम समाज गर्व महसूस करेगा कि जो इंडिया गठबंधन है सच्चे मायने में एक लोकतांत्रिक गठबंधन है और ये उनकी नुमाइंदगी करता है, उनकी बात करता है। और जो सहूलियतें हैं जो मुस्लिमों को मिली है, जो हिस्सेदारियां मिली है, चाहे राजनीति में चाहे प्रशासन में, नहीं भरोसे की बात नहीं, हमने करके दिखाया है। आप मिश्रित, मैंने कहा ना कि उनको इतिहास देखना चाहिए कि मुस्लिम समाज कहाँ खड़ा था, और आज अगर वो जागरूक है अपने हिस्सेदारी के लिए, अपनी अपनी राजनीति में अपने अपनी बात के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है और कांग्रेस पार्टी की देन है। अनु जी मौलाना साहब, क्या अनु जी, वोट बैंक, मुस्लिमों का वोट बैंक आप लोग लेंगे लेकिन नुमाइंदगी नहीं देंगे। सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। समाजवादी पार्टी को खड़ा एक मिनट, रजवी साहब, शाहबुद्दीन, इतिहास तो खुद मौलाना साहब, एक मिनट, आपकी जो शिकायत है, जो नाराजगी है, दरगाह पे आते थे, चादरपोशी समाज, आज आज देखिए चर्चा नहीं हो पाएगी, एक मिनट है। अनु पासवान जी, आप सच्चे मुस्लिम वोट बैंक कमेटी पहले पढ़िए। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट, मुस्लिम वोट बैंक लेंगे लेकिन नुमाइंदगी नहीं देंगे, क्यों? ये नाराजगी है। सबसे पहले देखिए एंकर महोदय जी, मुझे नहीं पता मौलाना जी कहाँ से और किस एंगल से ये सारी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में अगर आप देखेंगे, अगर यूपी ही की बात हो रही है तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूंगा, कांग्रेस पार्टी के जितने भी अभी पदाधिकारियों को घोषित किया गया है, चाहे वो यूपी के प्रवक्ताओं की लिस्ट हो, चाहे वो प्रदेश सचिव की लिस्ट हो, चाहे वो महासचिव की लिस्ट हो, और अभी तो और भी लिस्ट आनी बाकी, इसमें बहुत बड़े तादाद में मुस्लिम समुदाय के भाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है। और इस ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये सारी लिस्ट ऑन द रिकॉर्ड है, आप इसको गूगल पे जाके खोल के सर्च भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है मौलाना साहब बहुत जल्दी घबरा गए हैं, अभी आने वाले और भी कई सारे उनका सवाल है, पदाधिकारियों को उनका सीधा सवाल है कि यूडीएफ और एआईएमआईएम को भी शामिल कर लेते, कम से कम एक मजबूती तो मिलती कि हाँ मुसलमानों की पार्टियां हैं और इस लड़ाई में उनकी भी सहभागिता है। देखिए राहुल जी, शामिल होना, शामिल करना, ये दो अलग बातें होती हैं। जब अगर किसी की सहमति होगी या खुद कोई इच्छुक होगा तो वो अपना प्रस्ताव रखेगा और उसको उसमें किया जाएगा। तो ये सारी बातें अपने, हम किसी को अपनी मर्जी से किसी में शामिल नहीं कर सकते। अगर कोई सामने से इच्छुक होगा तो वो जरूर उसमें आएगा, इसमें आगे विचार किया जाएगा। मगर उनका साफ सीधे ये कहना है कि आपको मुसलमान का वोट चाहिए मगर उन लोग को आप शामिल नहीं करना चाहते, तो मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने पकड़ा दी है कि आप गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए कांग्रेस के कितने सारे पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है और होना बाकी है, उसमें बहुत अच्छे खासे तादाद में मुस्लिम समुदाय के भाइयों को भी जगह मिली है। वही तो कह रहे हैं कि 24 का चुनाव आ रहा है तो बस, तो हम भी तो वही पीनट्स, कह रहे हैं, पीनट्स फेंक दिया गया है, चुनाव खत्म, काम खत्म, चुनाव खत्म तो नहीं हो गया ना, ये कैसे आप कह सकते हैं चुनाव खत्म, काम खत्म, ये तो ये रजवी साहब जैसे लोग, उनके समाज के लोग, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, बहुत जल्दी घबरा गए हैं। संजय चौधरी जी बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस, अगर मुस्लिम समाज की मांग है, मुस्लिम समाज कुछ कह रहा है तो उसको सुनने की जरूरत है, गलत क्या है? रजवी साहब ने सही मांग रखी है। ये
समाज की भूमिका को नहीं स्थापित करते हैं और मुस्लिम समाज अगर उनकी उनसे ये अपेक्षा करता है कि वह उन्हें अपनी नीति को निर्धारित करते समय उनको शामिल करें, उनके मुद्दों को शामिल करें, तो मुझको लगता है कि ये क्योंकि मुस्लिम समाज उनके प्रति आग्रही है, उनको अपना स्वाभाविक नेतृत्व मानता है, तो निश्चित रूप से जो अपने आप को मुस्लिम की रहनुमाई का सबसे बड़ा नुमाइंदा मानते हैं, निश्चित रूप से वो मुस्लिम जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे, ऐसा समझ में आता है। लेकिन मुस्लिम समाज को भी इस बात पर ध्यान करना चाहिए कि वो जिन राजनीतिक पार्टियों को अपना बधुआ मजदूर मान चुका है, अगर वो उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो उन्हें और स्वाभाविक विकल्पों पर भी बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों को वोट ले लेना एक बात है, लेकिन सभी के काम को, सभी के व्यवहार को, सभी की योजनाओं को, सभी के कार्यकालों को अगर मुस्लिम समाज परखेगा तो निश्चित रूप से वो ये जानेगा कि इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, नीति निर्धारण में इसकी कोई भूमिका नहीं है, आगे की योजनाओं में मुस्लिम समाज की किसी भी चीज की राय नहीं ली जाती। मुझको लगता है कि यह मुस्लिम मतों के साथ किया गया छलावा है जिसको मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने वाले लोगों ने प्रकट किया है। निश्चित रूप से उन्हें मुस्लिम नेतृत्व की नुमाइंदगी का बात की बात नहीं, वही बात कर रहे हैं रजवी साहब, वही बात कर रहे हैं राहुल यादव जी, जो बैठक हुई गठबंधन की, उनका बस एक सवाल है कि क्या कोई मुस्लिम चेहरा है उसमें, मुस्लिम चेहरा क्या दिखा, अगर दिखा तो बता दीजिए दर्शकों को, रजवी साहब को बता दीजिए, हमें भी बता दीजिए, हो सकता है कि हमें ना पता, उन्हें भी ना पता। असल में रजवी साहब या फिर जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, दरअसल राजनीतिक तौर पर तमाम रणनीति के हिस्सेदार बन जाते हैं, कहीं से गाइडेड होते हैं, न जाने कैसे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि उन्हें एजेंट करार ना दे दीजिए आप। देखिए मुस्लिम समाज की जो हिस्सेदारी है या उनकी जो विकास की बात है या मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ राहुल यादव जी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, उनका एक सीधा सवाल, जो बैठक में क्या कोई मुस्लिम चेहरा था दिखा भाई, अभी तो इसकी छठवीं बैठक हुई है, अभी न जाने कितनी बैठकें प्रस्तावित हैं, अभी मुस्लिम चेहरा सामने निकल कर आएगा, अभी हमने संयोजक का चुनाव भी नहीं किया है, अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें एक ऐसी सरकार को रोकना है जो लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है, और उसको रोकने के लिए हम उसके आगे आने वाले दिनों में बिना मुस्लिम चेहरे के कैसे संभव है, अनु जी बिना मुस्लिम चेहरे के कैसे संभव है, अनु जी आवाज आ रही है आपको, अनु जी सुन पा रही हैं आप, आवाज आ रही है आपको, रजवी साहब अभी इंतजार कीजिए, नुमाइंदगी मिलेगी, भरोसा है। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ हेलो, ठीक है इंशाल्लाह। और एक सवाल आपसे ये भी है, क्या कोई ऑप्शन है आप लोगों के लिए? राहुल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अनु जी, सवाल रजवी साहब, ऑप्शन के लिए तो गौर फिक्र किया जाएगा, और इस ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है और उस पर गौर फिक्र किया जाएगा, और जब लोकसभा का इलेक्शन करीब होगा तो वो फैसला भी किया जाएगा और उस पर अमल दरामद भी होगा इंशाल्लाह। और ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग जो है वो एकदम बिल्कुल यानी सूखाना बाजारी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बाजारी अल्फाज इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो एक सामाजिक और मजहबी आदमी हूँ, मेरा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं है और मैं आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर भी नहीं बना हूं, और हमेशा जो है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को सपोर्ट किया है, और ये टीवी चैनल पर बैठकर हमारी एक बात हम नुमाइंदगी मांग रहे हैं तो इनको बुरा लग गई और ये बुरा मान गए और ये हमें इतिहास के पन्ने बताने लगे, दिखाने लगे, इतिहास की किताब ला करके उसका आईना हमें उसका टाइटल दिखाने लगे, तो ये इनकी घटिया मानसिकता का सबूत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समझ ले क्या नहीं,
नहीं, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे ऑप्शन के तौर पर, ऑप्शन के लिए हमारे बड़े लोग जो है बैठेंगे, पूरे देश भर के उलमा दानिश्वर बैठेंगे और गौर फिक्र करेंगे, उसके बाद में फिर उसका ऐलान भी होगा, आपको बताया जाएगा। उन्होंने अपना हक हक मांगा और आप लोगों को नागवार गुजर गई ये चीजें। एक मिनट राहुल जी, राहुल जी एक मिनट, अनु पासवान जी, उन्होंने अपना हक मांगा, नागवार गुजर गई चीजें जी। राहुल जी आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आप ही से सवाल है जी। जी किसने कहा नागवार गुजरी, या किसने इनको ऐसे आपत्ति भरे अपशब्द कह दिए, मुझे नहीं पता ये कहां से बोल रहे हैं। मैंने तो अभी, आपने जब मुझसे शुरू में सवाल किया तो मैंने तो आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैंने तो आपको बता दिया कि आप ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर लीजिए कि कांग्रेस के जितने भी अभी तक पदाधिकारी। फिर मेरा सवाल वही आ जाएगा कि जो INDIA की बैठक हुई उसमें कोई मुस्लिम चेहरा दिखाई दिया क्या, था कोई मुस्लिम चेहरा? देखिए नहीं, मैंने तो वही कहा ना स्पष्ट तौर पे कि भाई अभी तो बैठकें चल ही रही हैं, और अगर ये बात कर रहे हैं कि कोई पार्टी ऐसी है जिसमें मुस्लिम चेहरा है, तो मैं बता दूं PDP की एक पार्टी है जिसमें मुफ्ती मोहम्मद रसीद जी हैं, वो इसमें गठबंधन में शामिल है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को इसमें हम लोगों ने जगह नहीं दिया, मुसलमान भाई को नजरअंदाज किया गया। मैं यही कह रही हूँ कि मौलाना साहब बहुत जल्दी घबरा गए हैं, या ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ना तो सीटों की बंटवारा हुई, ना तो किसी कैंडिडेट की घोषणा हुई, और ये पहले ही अपने इस तरीके के बयानों से लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी है चाहे समाजवादी पार्टी है, संजय जी अगर किसी ने अपने दिल की बात कही, नजरअंदाज कर रहे हैं, अगर अपने बहुत सारी चीजें किसी ने अपने समाज और अपने दिल की बात कही तो हमें नहीं लगता कि किसी को बुरा मानना चाहिए। आपकी बातें समझ में आती, जो फील हुआ रजवी साहब को, उन्होंने बोल दिया तो हम भी तो उनकी बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं। राहुल जी हमने भी तो उनकी बात को क्लेरिफाई किया है कि वो क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं हमें नहीं पता, आपको थोड़ा सा और उन्हें लगता है कि अभी तक हर बार लॉलीपॉप ही मिला है उन्हें, नुमाइंदगी नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, मैं कह ही रही हूं संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी छाट लिया, देख लीजिए ऑन रिकॉर्ड। संजय चौधरी जी देखिए इसमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। केंद्रीय गठबंधन की तरफ से कहा गया कि ये हमारी अब आखिरी बैठक है, इसके बाद कोई बैठक नहीं होगी। तो जो मेरी साथी मित्र तय कर रही है कि अभी तो 3 ही 4 ही बैठक हुई है, लेकिन वो जानकारी संशोधित करे। अब केंद्रीय गठबंधन ने कह दिया है कि अगली बैठक नहीं होगी, खड़गे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी ने कहा कि अब गठबंधन की बैठक नहीं होगी, अब हम सीटों की शेयरिंग के बाद बात करेंगे, और उसके लिए उन्होंने 5 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। तो ये तो हुई बात नंबर 1। बात नंबर 2, मतलब कहने का मतलब है कि लॉलीपॉप मिल गया रजवी साहब और उनके समाज को, बिल्कुल। और अगर कोई मुस्लिमों का नुमाइंदा, मुस्लिमों का मुफ्ती, मुस्लिमों का मौलाना अगर इस बात को रख रहा है, तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज को ये लगा होगा कि उसके साथ छलावा हुआ है। वास्तव में ये राजनीतिक दल, ये इंडी गठबंधन में शामिल लोग मुसलमानों को केवल भाजपा से डराकर वोट पाना चाहते हैं, उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, नीति में उनकी भागीदारी नहीं करना चाहते, और उनकी भावनाओं को समझना भी नहीं चाहते। एक यहाँ पर हमारे बीच में जो मौलाना बैठे हैं, उनकी बात को लेकर सपा और कांग्रेस की जो रिएक्शन है वो बता रहा है कि वो उन मौलाना साहब की बात को सिरे से नकार रहे हैं। देखिए मुस्लिम मत और मुस्लिमों के लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। नहीं, उन्होंने कहा ना कि ऑप्शन है उनके पास 24 के लिए, राहुल जी ऑप्शन है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मुस्लिमों का मोह भंग हो रहा है जी, हो रहा है। अरे हाँ जी, मैं बोलूं क्या राहुल जी? हाँ आप ही की बारी। हाँ जी, देखिए रिजवी साहब से बड़ा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। अभी बड़ा सब कुछ शुरुआती मामला है। अभी 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 बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए। इनको ये समझना चाहिए कि जो मुस्लिम समाज की जो हालत है या उसके जो विकास का जो विकास की जो चुनौतियां हैं, ये सिर्फ और इंडिया गठबंधन का जो कंसर्न है वो सीधे सीधे मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। और मुस्लिम कम्युनिटी अगर सच्चर कमेटी रन निष्ठा कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ेंगे रिजवी साहब, तो शायद वो स्पष्ट हो जाएंगे कि उनकी हालत
भारत कई मामलों में दलितों से भी बदतर है। तो उनके लिए जो काम किए जाने की जरूरत है वो सिर्फ एक लोकसभा चुनाव तक, एक विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, यह हर दिन और निरंतर काम करने की आवश्यकता है। यही कह रहे हैं कि लॉलीपॉप लॉलीपॉप मिलता क्या, हम लोग वोट देते गए, नुमाइंदगी कहीं मिल नहीं रही है। यस जी, मैं उनसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि रेड्डी साहब धैर्य रखें, मुस्लिम समाज को पर्याप्त हिस्सेदारी मिलेगी और उसके साथ पूरी तरह न्याय और समानता की जहां तक बात है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही करेगा और कोई भी ऐसा यहाँ पर अलायंस नहीं है। उन्होंने तो मुस्लिमों के बारे में सोच रहा हूँ, खुले तौर पर बोल दिया कि ऑप्शन तो है उनके पास, ऑप्शन नहीं नहीं उसकी नौबत नहीं आएगी। रवि साहब आशा है कि इसके बारे में वो आपको लग रहा है, लेकिन जो नाराजगी है, जो बातें, जो शिकायत है उनके दिल में है, वो जुबान पर आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से रजवी साहब ने ये साफ कर दिया कि नुमाइंदगी INDIA में होनी चाहिए थी, वोट बैंक का इस्तेमाल हमेशा किया गया लेकिन नुमाइंदगी नहीं दी गई, सवाल यह है कि क्या मोहभंग कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या कहे कि INDIA में शामिल सभी दलों से मुसलमानों का हो रहा है और ऑप्शन मुसलमानों के सामने आखिर है क्या, इसका भी आकलन उन्हें करना चाहिए। दो टूक में इतना।